वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिल्मी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ की टॉप 5 मोस्ट अंडररेटेड मूवीज के बारे में। हाँ, ये वही मोस्ट अंडररेटेड मूवी है जो यूट्यूब पर उसके बहुत ही कम व्यूज मिले हैं और बहुत कम सपोर्ट मिला है, पर ये मूवी सच में बहुत वाकई में बहुत ही अच्छी मूवी है। आपको ये सारी फिल्में टॉप 5 फिल्में जरूर एक बार देखनी चाहिए। इस टॉप 5 फिल्में से सारी फिल्में बहुत ही अच्छी मूवीज है, आप सभी फिल्मों को मिस मत कीजिएगा, ये सारी फिल्में एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते। तो नंबर 5 पर है जीरो। 2016 में रिलीज हुई हॉरर फैंटेसी फिल्म है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 6.4 की रेटिंग दी है और 86% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। वाकई में यह फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में आपको हॉरर और फैंटेसी देखने को मिलेगा। यह सच में हॉरर से भरी हुई फिल्म है। ये फिल्म डरावनी है और बहुत ही अच्छी फिल्म है, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। ये फिल्म आपको जीरो नाम से यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो नंबर 4 पर है खून खराबा। 2015 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। IMDb की रेटिंग की बात करें तो IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 6.5 की रेटिंग दी है और 90% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। यह फिल्म वाकई में बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म को यूट्यूब में बहुत ही कम व्यूज मिले हैं, पर यह सच में ही बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो दोस्त होते हैं वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कैसे वो लड़ते हैं अपने दोस्तों के लिए और वो कैसे सब कुछ दिखाया गया है। तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। यह फिल्म भी बहुत ही अच्छी फिल्म है। यह फिल्म आपको यूट्यूब पर खून खराबा नाम से मिल जाएगी। वो एक दिन, वो एक रात, उस दिन होने वाली वो घटना जिसने मेरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। तो नंबर 3 पर है शराबम। 2014 में रिलीज हुई मिस्ट्री क्राइम फिल्म है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 7.1 की रेटिंग दी है और 94% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। सच में ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। ये फिल्म हमारे टॉप 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म में भी शामिल हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो सच में ये शराबम फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म में आपको दिखाया गया है कि वो एक मर्डर हो जाता है और उसकी मिस्ट्री कैसे सुलझती है। ये एक क्राइम से भरी हुई मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। आप इस फिल्म को मिस मत कीजिएगा। वाकई में ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। 5, 4, 3, 2, 1। बिना पकड़ में आए एक गुनाह करेंगे तो बहुत पैसा आता है, ऐसा सोचना मेरी फिलोसफी। मुझे बहुत पैसा चाहिए। इतने पैसों का तुम करने क्या वाले हो? क्या? नंबर 2 पर है रावड़ी शंकर। 2016 में रिलीज हुई ड्रामा एक्शन फिल्म में IMDb की रेटिंग की बात करें तो IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 7.8 की रेटिंग दी है और 96% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये फिल्म भी बहुत ही अच्छी फिल्म है। वाकई में ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। यूट्यूब पर भी इसको बहुत कम व्यू मिले है। यूट्यूब पर आपको ये रावड़ी शंकर के नाम से मिल जाएगी। नंबर 1 पर जाने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो नंबर 1 पर है D16। 2016 में रिलीज हुई थ्रिलर क्राइम फिल्म है। इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 8.4 की रेटिंग दी है और 95% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये फिल्म भी बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म को इसलिए नंबर 1 पर रखा गया है। ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। यूट्यूब पर भी इसके बहुत ही कम व्यू मिले है। ये मोस्ट अंडररेटेड फिल्म में नंबर 1 पर आती है। अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आप इस फिल्म को भी जरूर देखिएगा। ये फिल्म आपको यूट्यूब पर D16 के नाम से मिल जाएगी। खामोश चेहरों के पीछे छुपी भयानक साजिशें, हादसा या कत्ल, D16। तो सारी की सारी फिल्में आप एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।